गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशुतोष सर। टुडे आई विल टीच यू क्लास एट्थ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्लास एट्थ मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को रिवाइज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2। वैसे कुछ इसका जो बेसिक है, कैसे आंसर चेक करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, उस बेसिक प्रोसेस को इसके प्रीवियस वीडियो हम जो है अपलोड कर दिए हैं, फिर भी आज इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। ओके, देखते हैं। वन मिनट, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड एंड चेक योर आंसर, डिवाइड एंड चेक योर आंसर यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो चेक करना है आंसर को भी। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन उसको बता दे रहा हूँ, बाकी जो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3x-2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3x-2 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 15x⁴ - 16x³ + 9x² - 10/3x + 6। प्लस कितना, 6। क्लियर? तो स्टूडेंट, फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं इसमें, यह चेक करते हैं कि जो डिविजर और डिविडेंड है दोनों की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो यहाँ पर दोनों की पावर किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर 4, 3, 2, 1, 0। ये भी देखिए 1 और 0। क्लियर? तो जब पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाती है, ठीक है, आफ्टर दैट क्या करते हैं हम लोग हैं कि फर्स्ट वाले जो डिविडेंड है उसके फर्स्ट टर्म को डिवीजर के फर्स्ट टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवीजर के फर्स्ट टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो डिवीजर का फर्स्ट टर्म क्या यहाँ पे है, 3x है। तो 3x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको, इसको, 15x⁴ / कितना होगा, 3x। 3 से कट कर 3 5 कितना होगा, 5x³। मतलब कितना टाइम जाएगा, 5x³ टाइम जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 से कितना होगा, 15x⁴ - 5 × 10x³। ओके, साइन चेंज ये क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस। ओके, -6x³ + 9x² -6x³ - 6x³ + 9x². ओके, अगेन वही प्रोसेस कि उसके फर्स्ट को उसके फर्स्ट से क्या करेंगे, डिवाइड। इसका फर्स्ट कितना, -6x³, इसका फर्स्ट कितना है, 3x। क्लियर? तो 3 से कर कितना होगा, 3 × 2 = 6x² कितना टाइम जाएगा, -2x² -2x² तो कितना होगा, -6x³, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 2 × 2 = 4x² ये क्या होगा, प्लस होगा, और ये क्या होगा, माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 4 माइनस करें कितना होगा, 5x² - 10/3x -10/3x। ओके, 5x² - 10/3x। क्लियर?
सेम प्रोसेस वही कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से क्या करेंगे डिवाइड, तो फाइव अपान कितना है, फाइव एक्स स्क्वायर है, फाइव एक्स किसे डिवाइड करना है, थ्री एक्स से, तो एक्स कितना होगा कैंसिल हुआ, कितना आएगा फाइव अपान थ्री एक्स टाइम जाएगा, तो यह जाएगा प्लस फाइव अपान थ्री एक्स टाइम, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव टू जा टेन अपान थ्री एक्स, क्लियर। साइन चेंज होगी, माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस, एक कैंसिल होगा, ये भी क्या होगा कैंसिल, कितना बचा सिक्स बचा, सिक्स क्या है रिमाइंडर, सिक्स क्या है रिमाइंडर, क्लियर। अब हम लोग चेक करेंगे आंसर, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या होगा रिमाइंडर, ठीक है। तो हम बताए थे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, अगर डिविडेंड आ रहा है तो क्या होगा वो ट्रू है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग एल एच एस, इसे क्या कहेंगे आर एच एस। तो डिविडेंड कितना है, यहाँ राइट करते हैं हम क्या एल एच एस, क्या राइट करते हैं एल एच एस, एल एच एस कितना है, एल एच एस जो है फिफ्टीन एक्स की पावर फोर माइनस सिक्सटीन एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस टेन अपॉन थ्री एक्स प्लस सिक्स, क्लियर। अब आर एच एस, आर एच एस क्या है डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर कितना है, डिविजर, डिविजर जो थ्री एक्स माइनस टू, कोसेंट कितना है फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अपान थ्री एक्स, प्लस रिमाइंडर कितना है सिक्स है, रिमाइंडर कितना है सिक्स, प्लस कितना है सिक्स, मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। तो थ्री फाइव जा कितना होगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन एक्स की पावर फोर माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स क्यूब प्लस, ठीक है थ्री से थ्री क्या होगा कैंसिल, फाइव एक्स स्क्वायर पर है आना चाहिए, देखिए थ्री से कैंसिल हुआ एक्स बचेगा तो कितना आएगा फाइव एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब माइनस टू का करेंगे तो माइनस टू का जब करेंगे हम तो टू फाइव जा टेन एक्स स्क्वायर, टू टू फाइव जा टेन एक्स क्यूब प्लस टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव टू जा टेन अपान थ्री एक्स प्लस कितना होगा सिक्स, क्लियर। तो एक्स पावर फोर और कहीं पे एक्स पावर फोर कहीं नहीं है, तो इसको मैं ऐसे राइट कर लेंगे फिफ्टीन एक्स पावर फोर, यहाँ थ्री पावर यहाँ भी थ्री है तो कितना होगा माइनस सिक्सटीन हो जाएगा, ये दोनों माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर यहाँ भी, स्क्वायर यहाँ भी, तो फाइव फोर कितना होगा नाइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। वन पावर का नंबर है तो वन पावर का नंबर कितना है माइनस टेन अपान थ्री एक्स, क्लियर। अब प्लस क्या बचा सिक्स, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा एल आर एच एस है, तो हम राइट कर सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सो वेरीफाई, क्लियर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फोर में से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्री देख लेते हैं, पूरा नहीं बताएंगे, समझा देंगे आपको अच्छे से। व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट फ्रॉम इतना, मतलब वो पूछें कि इसमें से क्या सबट्रैक्ट किया जाए, टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फाइव, उनका कहने का मीन्स ये है कि इसमें से क्या जो है सबट्रैक्ट किया जाए, ठीक है।
टू एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फाइव, ठीक है। रिजल्टेंट पॉलीनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, कि ये किससे डिविजिबल हो जाए, ये जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। क्लियर? तो देखिए कुछ करना आपको नहीं है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे आप इसको डिवाइड। अच्छा ठीक है, छोटा सा ही है क्योंकि इसमें है ना, तो मैं देखता हूँ कितना टाइम जाएगा, एक्स टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा एक्स टाइम, तो एक्स टाइम जाएगा कितना होगा टू एक्स क्यू, यहाँ पर एक्स टाइम जाएगा कितना होगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस कितना होगा फाइव एक्स, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये भी क्या होगा माइनस, ये क्या होगा इससे कैंसिल, यहाँ से कितना आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा थ्री एक्स और यहाँ से कितना आएगा माइनस फाइव, यही ना। अब कितना टाइम जाएगा माइनस वन टाइम जाएगा, तो माइनस वन टाइम जाएगा कितना होगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, क्लियर। तो और ये कितना होगा माइनस फाइव, साइन चेंज होगी माइनस फाइव प्लस होगा माइनस, ये तो सब कैंसिल हो गया, ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल, तो क्या राइट कर देंगे जीरो, क्या राइट करेंगे जीरो। देखिए जब यहाँ पे अगर हम जैसे सपोज कर लें कि यहाँ पे क्या बच रहा है टू बच रहा है, तो हम टू क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, टू जब इसमें से माइनस कर देंगे तो वह क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, जो आएगा वो क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 6.5 देखते हैं। एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज 6.5 क्या है, डिवाइड करना, डिवाइड यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? ये इजी है, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना, आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये भी डिवाइड एक टाइप का है, 49 एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 7x प्लस ए प्लस बी। क्लियर? ओके तो अब देखिए डिवाइड करना, इसका मतलब हम इसको राइट कर, क्या राइट कर सकते हैं 49 एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा अपान 7x प्लस ए प्लस बी। क्लियर? तो यहाँ पर जो है हम 49 को राइट, क्या राइट कर सकते हैं 7x का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपान वही सेम चीज 7x प्लस ए प्लस बी। स्टूडेंट इसे क्या मानेंगे, हम ए मान लेते हैं, इसे क्या सपोज करते हैं बी, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एक बार दोनों को ऐड करेंगे 7x को ए प्लस बी को ऐड कर देंगे, तो 7x प्लस ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस ए माइनस बी अपान कितना होगा 7x प्लस ए प्लस बी, इसे क्या हो गया कैंसिल होगा, बचा क्या 7x माइनस ए माइनस बी। क्लियर? तो जितने भी क्वेश्चन हैं सबके प्रोसेस यही हैं। एक लास्ट वाला बताता हूँ आपको, यफ। ओके तो यफ जो है ए की पावर 4 बी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 बी की पावर 4 किससे डिवाइड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। क्लियर? तो सिंपल सा है, या तो आप अलग अलग अपान कर दीजिए, क्या करिए अलग अलग अपान कर दीजिए, ओके या तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन देखिए सब में से ले लीजिए, सब में से कॉमन क्या मिलेगा हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब में से कॉमन मिलेगा, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए की पावर क्या बचेगा 2 माइनस बी की पावर
तो माइनस यहाँ से क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या हुआ कैंसिल, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो चैप्टर सिक्स भी लास्ट हुआ, एक्सरसाइज 6.5 भी है लास्ट हो गया। अब आप लोग करेंगे, नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ओके, 7.1 भी स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट करने के बाद फिर से स्टार्ट से रिवाइज करेंगे जो पीछे का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का और सेकंड यूनिट टेस्ट का। ओके, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।